I am feeling really grateful that Alley Club has given me a great opportunity to have this wonderful experience with them, and I am really excited to have this wonderful journey with them. I am from Jammu and Kashmir. I have given my audition in Chandigarh, and I am very excited about this, and I got this platform. Thank you very much for this Alley Club, क्योंकि मैं इस Alley Club से बेंगलोर से देखते आ रहा हूँ. ये एक स्टूडेंट के लिए, एक Alley Club के एक स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है. ये आगे जाके कुछ बन सके या बड़ा पर्दे के आगे आ सके या कोई नाम रोशन कर सके, ये सिर्फ Alley Club से हो सकता है. ये एक बड़ा मंच है, ये जिसको होप्स है वो यहाँ से ऊपर जा सकता है. On Alley Club journey, and I'm beyond excited to be here, and I'm here to win this contest and this pageant. It's a very honor for us to get this opportunity in the Alley Club, as and she got as she got a final in a finalist. She stood in a finalist position. And Delhi mein audition ke liye mujhe bahut hi maza aaya tha, and it was really exciting. Aur ab main aayi hu finale ke liye Delhi mein wapas, and it's really really experiencing. Matlab bahut hi excited hu main. और संबिता मैम से मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. जब से Alley Club ज्वाइन किया है तब से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट रहा है विद Alley Club. करेंगे आप लोग रह जाएंगे कैसे जाएंगे घर जीतते क्राउन लेके कैसे जाएंगे घर तरीके से अपना मंजिल पार करनी है. जितना कॉन्सेंट्रेशन आप अपने प्रोजेक्ट पे दोगे, अपने ट्रेनिंग पे दोगे, जो हम आपको समझाएंगे उस पे दोगे, उतना बढ़िया टारगेट और कोई अचीव नहीं कर पाएगा. आपने एक तो वॉक वगैरह होगा वो मैडम रैंप गुरु संबिता वो सब सिखा देंगी बता देंगी. मेरी आवाज आ रही है पीछे तो आपको सब सिखा के बता के समझा के आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, वॉक किया जाएगा. आप पेरेंट्स आर इनवाइटेड हियर. बहुत अच्छा लगेगा. Thank you.
पहले तो लग रहा था मैं सिलेक्टेड ही न्यू बिकॉज बहुत कंपटीशन बहुत हार्ड था, बट यस आई गेट द नोटिफिकेशन ऑफ यू आर सिलेक्टेड एंड यू आर इन फाइनल. आई एम वेरी एक्साइटेड. द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. ऑडिशन से लेके अब ग्रैंड फिनाले तक आ चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आगे क्या होने वाला है. माइंड ब्लोइंग, कम्फर्टेबल एंड ऑल द जजेस के नेचर एकदम होम फ्रेंडली है. इधर लगता ही नहीं कि हम घर से बाहर है. बहुत मज़ा आता है इधर. एली क्लब रॉक्स. एंड द जर्नी थ्रू आउट हैज़ बीन फुल ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड एंथुसियाज्म. हियर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम ऑल द प्रोफेशनल्स दैट वुड बी कमिंग टू ट्रेन अस. एंड एज वी ऑल नो दैट एली क्लब इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग IQ and personality contest pageant as well as a pageant for teenagers. The credibility and its popularity is something that attracts me the most. मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एली क्लब से मतलब पाम ग्रीन होटल में आया हुआ हूँ और मतलब सुबह से बहुत मतलब कम्फर्टेबल फील हो रहा है. एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है एक्चुअली मैं जीतती हूँ. मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊँगी और अब आगे क्या होता है वो भी देखना है. और मैं सबसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है संविता मैम से मिलने के, और वेट नहीं हो पा रहा. और यहाँ पे आने के बाद जो भी कुछ हुआ बहुत ज़्यादा मज़ा आया. हम लोगों आते हमारा वेलकम हुआ विद अ प्रॉपर ढोल एंड ऑल. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. उसके बाद हमने यहाँ पे डांस किया और सर ने स्पीच वगैरह दिया कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है. बहुत मज़ा आया और यहाँ मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा. एली क्लब रॉक्स. वेरी ओवरवेलम्ड टू बी द पार्ट ऑफ एली क्लब एंड टू बी द पार्ट ऑफ द फाइनल्स. एंड ऑडिशन से पहले मैंने सिल्वर स्क्रीन पे पहले वाले राउंड देखे थे. मतलब उसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा दैट बस अब यही चाहिए. मतलब एक ऑनलाइन कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देखा एली क्लब का एंड देन आई कम टू हियर. प्रकाश शर्मा, विमल सिंह, कनिष्क आगे पीछे तीनों उस बिल्डिंग वहाँ पे नेक्स्ट 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 विंग में. प्रतीक, सुमित, राज, हेमंत. एक ये ड्रेस है, मतलब मैंने भी सोचा नहीं कौन से इवेंट में पहननी है बट मुझे बहुत प्यारी लगती है ड्रेस. कौन सा
मेरे को पूरा आता है मेकअप। ये बोल रही करेगी मेकअप खाने को करेगी। आई थिंक मैंने मुझसे कहा कि खा आपका मेकअप। मैं ये शर्ट दिखाता हूं। कच्चा दिखा ना। अच्छा अबे दिखा दे कच्चा कोई नहीं पहनता हूं। देखिए कैसा लगेगा। एकदम बढ़िया लगेगा इसके साथ। ये भी सही है व्हाइट सूट के साथ। ये अबे तू एक काम कर, तू सिर्फ ये पहन के आ जाया कर। देख कितना बढ़िया है, सेक्सी लगेगा एकदम। मैं बहुत ही नर्वसनेस लग रहा है मेरे को तो यार, क्या होगा लाइक के फॉर्म को अप्लाई किया तो मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया। उस समय मैं इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था सिर्फ ऑडिशन देने के लिए। और जब मैं सेमीफाइनल में सिलेक्ट हो गया तब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और जब मुझे पता चला कि मैं फाइनल्स में जा रहा हूँ तब तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं फाइनल में भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। ना ही इससे पहले मैंने किसी भी शो का ऑडिशन दिया है, ना ही मैंने कुछ किया है। और जहाँ तक रही बात रेड कारपेट की, तो मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को चलते हुए देखा है और यही पता करना है कि आखिर इस रेड कारपेट में जादू क्या है। तो आज मैं खुद चलने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुशी मतलब बहुत ज़्यादा है संबिता बोस मैम से मिलने का, और ख़ासकर स्वप्ना प्रियदर्शनी मैम से मिलने का, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज मैं भी उन्हीं की तरह संबिता मैम की वजह से एक रेड कारपेट पे वॉक करने वाला हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जाने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। This has been a great feeling to have met Samita Bose ma'am. I was dreaming to meet her from when I registered to Ali Club, and it was a really great moment that I met her in Bangalore, and she was really nice to me and all the contestants. And about today's gala, I am really excited that I'm gonna be in a red carpet and that too with so many like people around me. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ और वो भी रेड कारपेट के ऊपर, एंड टू लर्न इट फ्रॉम संबिता मैम समथिंग ओवर द टॉप। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर एक्चुअली एंड काइंड ऑफ लर्निंग ऑल द थिंग्स शी हैज़ टू ऑफर। मैं क्या बताऊँ आज के बारे में, आज रेड कारपेट पे मैंने कभी चला नहीं है, सभी को देखा है मैंने चलते हुए। मुझे भी होती थी कि मैं भी चलूँ, आज वो ड्रीम मेरी पूरी हुई है। और एम टी वी पे सुपर मॉडल स्वप्ना मैम को मैंने देखा, उन्हें देखकर क्या बताऊँ, आई हैव नो वर्ड्स। आई एम सो 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 एक्साइटेड आज के लिए, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड
संविता बोस मैम से मिलने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरी।